व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ और वाई एच। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने लैपटॉप के अंदर उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद आपको कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड हैं फ्री ऐप बनाने के लिए। सो ओपन योर ब्राउज़र एंड सर्च फॉर एंड्रॉयड स्टूडियो। सबसे टॉप पे आपको एक लिंक मिलेगा developer.android.com/studio। आप इसको ओपन करें। ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन क्लिक ऑन डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो। और एंड्रॉयड स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। सिंपली क्लिक ऑन सेव फाइल और डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसा कि मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए मैं इस डाउनलोड को यहाँ से कैंसिल करूँगा। और ये डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपके डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर आपको मिल जाएगी। तो आप अपना डाउनलोड्स फोल्डर ओपन करें और वहाँ पर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप पड़ा हुआ मिल जाएगा। Simply double click on it and the setup will continue. Here क्लिक ऑन नेक्स्ट। इस स्क्रीन के ऊपर आपको वो कंपोनेंट चूज करने हैं जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस का पर्पस क्या है? बेसिकली ये आपको एक आपके लैपटॉप के रिसोर्स यूज़ करते हुए आपको एक वर्चुअल डिवाइस बना दी जाती है, एक वर्चुअल एंड्रॉयड फ़ोन बना दिया जाता है जिसके ऊपर आप अपनी ऐप को टेस्ट कर सकते हैं। मैं इसके बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। उसकी रीज़न क्या है कि एक तो एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस आपके लैपटॉप के रिसोर्सेज यूज़ कर रही है। इसको आप रैम दे रहे हो, इसको आप सीपीयू दे रहे हो, वो रैम और सीपीयू आपके लैपटॉप का ही यूज़ हो रहा है, तो परफॉर्मेंस ऑब्वियसली स्लो हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कि एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइसेस कम्प्लीटली 1 GB की फाइल्स हैं जो आपने डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी हार्ड ड्राइव के ऊपर करनी है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप ऐप रन करने लगते हो तो एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस या आपका जो एंड्रॉयड वर्चुअल एमुलेटर है वो काम नहीं करता। वो सिंपली ओपन होता है और उसी स्क्रीन के ऊपर फ्रीज हो जाता है। और सबसे मेन रीज़न इस चीज़ को ना यूज़ करने की, आपके पास जब एक एंड्रॉयड फ़ोन है आप जब डायरेक्टली उसके ऊपर अपनी ऐप को टेस्ट कर सकते हो, तो आप क्यों 1 GB अपने लैपटॉप के ऊपर डाउनलोड कर रहे हो? आप क्यों अपने लैपटॉप के रिसोर्सेज यूज़ करवा रहे हो? सिंपली कनेक्ट योर फ़ोन एंड यूज़ इट। बट इफ़ यू रियली नीड अ वर्किंग वर्चुअल एमुलेटर, यू कैन स्विच टू नॉक्स। नॉक्स एक वर्चुअल एंड्रॉयड एमुलेटर है जो एंड्रॉयड स्टूडियो के डिफ़ॉल्ट एमुलेटर्स की नस्बत काफ़ी बेहतर तरीके से काम करता है। आई मीन जब भी आप उसको ओपन करते हो, एटलीस्ट वो ओपन होने के बाद फ्रीज नहीं होता, वो आपकी ऐप को रन करता है। तो अगर आप लोग नॉक्स एमुलेटर इंस्टॉल करने के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें एंड आई विल मेक यू अ वीडियो। एंड इट्स कंप्लीटेड। लॉन्च एंड्रॉयड स्टूडियो। अगर आप ऑलरेडी एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर चुके हैं, आपके पास उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेव्ड है, तो आप सारी अपनी जो आपने सेटिंग्स वगैरह एंड्रॉयड स्टूडियो की हुई थी वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक फ्रेश स्टार्ट ले रहे हैं तो सिंपली डू नॉट इंपोर्ट सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करें एंड क्लिक ऑन ओके।
क्लिक ऑन डोंट सेंड। On the welcome screen, click on Next. Type of installation should remain standard. And on the theming section, you can choose if you want to use a light theme or dark theme. I mean, agar aap late night work karo, to obvious baat hai ki aap dark mode use kar rahe ho, to aap dark theme use karoge. Otherwise, simply go with the light. Main light theme use karta hu. Uski reason kya hai ki dark mode ke andar, dark theme ke andar बैकग्राउंड भी डार्क है, उसके ऊपर टेक्स्ट जो है वो भी डार्क शो होना शुरू हो जाता है। एट फर्स्ट इट लुक्स नाइस, मैं मानता हूँ इस बात को, थोड़ा डिफरेंट फील होता है, लेकिन जब आप काम कर रहे हो, ठीक है, और लेट नाइट काम कर रहे हो, तो ऑब्वियस बात है जो टेक्स्ट होता है वो एक टाइम आता है जहाँ पे वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज करना शुरू कर देता है, और आप लिख रहे होते हो और आपको पता चल रहा होता है यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो सिंपली गो विद द लाइट। On the final screen as it says verify settings, यहाँ से आप देख सकते हो कि आपने setup type कौन सा choose किया, आपकी SDK folder की location क्या है, total download होने वाले components कौन कौन से हैं और total download size कौन सा होगा। जब आप finish के ऊपर click करेंगे तो ये सारी चीज़ें download होना शुरू हो जाएंगी, and depending on your internet connection, ये speed पर depend करेगा कि ये कितना time लेगा। As you can see, the download is complete. Last में जो error आया है, उसको फिलहाल ignore कर दें and just click on finish. Basic Android Studio install हो चुके हैं, जो एक normal working के लिए perfect है, लेकिन सिर्फ double check करने के लिए कि क्या हमारे मुताबिक तमाम वो components install हुए हैं जो हमें require हैं या नहीं, आप configure के ऊपर click कर सकते हैं और उसके बाद आप सेटिंग्स में जाकर यहां आप SDK लिख के सर्च कर सकते हैं। हियर क्लिक ऑन एंड्रॉयड SDK और टॉप पे आपको जैसा शो हो रहा है एंड्रॉयड SDK लोकेशन, सेम वही पाथ है जो सेटअप के दौरान हमें शो हो रहा था। हमारे पास इस लेटेस्ट एंड्रॉयड SDK और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म इंस्टॉल है, लेकिन मैं अपनी एप्स के अंदर एंड्रॉयड पाई यूज करता हूँ 9.0 जो कि SDK 28 है। उसकी रीज़न ये है कि मुझे कोई शौक नहीं है बग्स के साथ खेलने का, मैं अपनी ऐप्स को सिंपल रखता हूँ। जो गूगल ने एक फाइनल लाइन दी हुई है कि आपकी ऐप्स SDK 28 मिनिमम 28 तक हो, मैं कहता हूँ ठीक है भाई मैं 28 तक रखूँगा, तो मैं 28 भी यहाँ से डाउनलोड करूँगा। अगर आप लोगों को शौक है एंड्रॉयड लेटेस्ट एंड्रॉयड SDKs यूज़ करने का, यू कैन गो अहेड, बट आई एम चूजिंग 28। By clicking on SDK tools, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से SDK tools required हैं। In my case, I need documentation. Yes, instant development SDK. I need this one. And Google USB drivers. That will be all. Google USB drivers क्यों मुझे रिक्वायर हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मैं अपना फ़ोन यूज़ करता हूँ टेस्ट डिवाइस के लिए, और इसके अलावा अगर आप अपने फ़ोन को रूट वगैरह करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉम्स इंस्टॉल करते हैं, या फिर कोई भी चीज़ एंड्रॉयड से कम्युनिकेट करने के लिए, आपके लैपटॉप को गूगल USB drivers रिक्वायर्ड हैं। और ये सारी चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल एप्लीकेशन डिवेलपमेंट के अंदर यूज़ होती हैं। फर्दर अगर आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो एंड्रॉयड स्टूडियो आपको ऑटोमेटिकली एक डायलॉग बॉक्स शो कर देता है जिसमें लिखा होता है कि कौन से टूल्स रिक्वायर्ड हैं, और आप सिंपली उनको वहीं से डाउनलोड बटन पर क्लिक करके डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। एज यू विल क्लिक ऑन अप्लाई, इट विल आस्क यू फॉर कन्फर्मेशन, क्लिक ऑन ओके।
accept the license, next, and the downloading begins. As downloading is complete, you can simply click on finish and simply close this dialog box too, and your Android Studio is completely installed. Now here aap yahan se ek naya project shuru kar sakte hain, ya phir agar aapke paas already ek project bana hua hai usko aap open kar sakte hain, and it will work perfectly. Further, agar aapko koi bhi question hai Android Studio se related, app development se related, aap comment kar sakte hain aur main aapko guide karunga video ke through ya phir text ke through ya mail ke through, whatever way suits you. So if you like this video, please like it and share it with your friends, and don't forget to subscribe to my channel. I'll see you next time.